नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। और हमेशा दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जो आपने सोच रखा होता है या जो प्लान किया होता है हमेशा वैसा ही हो, कभी यूनिक और अलग कुछ डिफरेंट भी हो जाता है। और हो सकता है कि वो कुछ हमेशा सिखा के जाए आपको, कभी कुछ एक्सीडेंट होते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा होता है जो हमेशा हमें एक नई सीख देके जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ एक गाड़ी आप पीछे यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर इंजन जाम हो गया, ऐसा हुआ था। और मैंने सोचा कि हो सकता है कि जो क्लच के अंदर एक नट खुल जाता है वैसा हुआ हो, पर मैंने खोल के देखा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे आके, और वैसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलिए अब देखते हैं अब क्या हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले एक वीडियो कवर किया था जिसके अंदर क्लच का नट खुल जाता है और वो हमारे गियर के पास जाके फंस जाता है। तो इस बार क्या हुआ है नया देखते हैं। क्लच का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, टेंशन मत करिए। अब देखते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या हुआ है। अभी हमारे पास है बुलेट स्टैंडर्ड 2016 मॉडल। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में पहले भी आ रखी है, उस टाइम शायद हम अच्छे से बात नहीं कर पाए थे इस टॉपिक के ऊपर। अभी मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इस गाड़ी के अंदर किक मार रहे हैं तो हमारी किक पड़ ही नहीं रही है, किक जाम हो रखी है। और ऐसी सिचुएशन क्यों आती है, क्या होता है, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ मैं एक बार किक मार के दिखाता हूँ कि किक के ऊपर खड़े भी हो गए तब भी किक नहीं पड़ रही है। अब ये प्रॉब्लम हमने पहले से, मैं बता रहा हूँ कि हमने पहले इसको कन्फर्म किया है कि इस प्रॉब्लम के साथ क्या होता है। हम आज फिर देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम वही है जो पहले हुई थी। तो कंपनी ने अभी तक इसका सलूशन क्यों नहीं निकाला है और क्या ये बार बार ऐसा क्यों होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपके साथ होता है तो क्या करना होता है, सबसे पहले कभी ऐसा होता है आपके साथ तो ना ही सेल्फ लेना है ना ही किक मारनी है, ऐसा करना आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसके कवर के अंदर, क्लच कवर के अंदर नट खुल गया है, ऐसा हो सकता है। देखते हैं इसे खोल के आपके साथ। अब हमें यहाँ पे ये कवर खोलना है, इस कवर को खोलने के लिए फुटरेस खोलना पड़ता है और गेयर लीवर खोलना पड़ेगा। फुटरेस खोलने के लिए 14 नंबर का पाना या टी, दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ करके आप आराम से इसको खोल सकते हैं और यह काफ़ी आसानी से खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों खोल दिए। इसके बाद 8 नंबर के बोल्ट इसको खोलना है, इस तरीके से पूरा खोलना है इसको। और टी का उपयोग करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास टूल अच्छे होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे नट बोल्ट ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमारी टीवी खुल चुकी है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक पैंडल खुल चुका है और इसको दोबारा से इसके अंदर लगा देते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे क्लच का वायर निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे निकाल नहीं रहा हूँ, सिर्फ सारे बोल्टों को ढीले करूँगा और खाली कवर बाहर निकाल के देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम वहीं से है या कहीं और से, या फिर सच में इसके इंजन के अंदर कोई चीज़ जाम हो चुकी है। 8 नंबर की चीज़ें लेकिन नटवर्क जल्दी खुल जाए, इंजन ऑयल तो निकलने लगा और यह आया कवर बाहर को हमारा। तो फाइनली आज देखिए, मैं कह रहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि इसका बोल्ट खुल गया हो और ऐसा नहीं हुआ है। तो पहले हमने एक बार वीडियो बनाया था कि ये बोल्ट हमारा खुल जाता है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो अब हम चलेंगे आरएच कवर की साइड में और आरएच कवर खोल के देखेंगे क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं। अब देखते हैं आरएच कवर खोल के आरएच कवर के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है। आरएच कवर क्या चीज़ होती है, ये होता है हमारा आरएच कवर। और इसे खोलने के लिए हम फिलहाल अपनी गाड़ी में साइलेंसर, फुटरेस्ट, किक, ये चीज़ें खोलते हैं तब ये कवर खुलता है। लोग अपने तरीके से काम कर लेते हैं, हमारा अपना तरीका है। तो फिलहाल हम साइलेंसर खोल लेते हैं और जल्दी से आपके सामने लाइव दिखाते हैं कि क्या क्या काम करना होता है। और कुछ दिन के बाद इसका खोल के बताएंगे कि इसके अंदर जंग लगता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोच रहा था मैं। और देखिए इसका कलर उतर गया है, इवन क्या इसी गाड़ी में करेंगे और आपको जल्दी मिलेगा वीडियो देखने के लिए किसी और दिन। अब जो आप खोला हमने साइड फुटरेस्ट,
थोड़ा सा पीछे जिससे रोशनी पूरी बने, कुछ पत्ते रोशनी बढ़ती है। और यहाँ पे हमारा कवर खुल चुका है, शायद कोई पीछे का एक बोल्ट ढील पूरा खुला नहीं है। यस, अब पहले सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं, कवर के अंदर तो कुछ नहीं है, इसके अंदर तो ऐसा नहीं होता ना, इसके अंदर कुछ। और हाँ, एक बार मैग्नेट को घुमा के देखते हैं यहाँ से कोई चीज़ अटक रही है या कहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ मैग्नेट से तो घूम रहा है। अच्छा, हमारा जो ऑटो डिकम्प्रेशर होता है ना, वो तो नहीं टूटा है कहीं? वो भी नहीं लग रहा है सर, क्योंकि अगर वो टूटा होता तो यहाँ मैग्नेट ही घूमता। आगे को घुमाओ इसको पूरा राउंड लो, देखते क्या हो रहा है आखिर। बस बस, ये पूरा एक राउंड लेने के बाद अटक जा रहा है ना। अभी क्या खोलना पड़ेगा, एक बार रोकर वोकर खोल के देखते हैं ना। अभी देखिए, यहाँ पे भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। तो अब हम एक काम करते हैं, रॉकर कवर खोलते हैं दोनों और इसके अंदर देखते हैं, क्या रॉकर कवर के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से एक बार टंकी उतार देते हैं, क्योंकि टंकी उतारना नॉर्मल है, ये जब कवर खोलेंगे तब आपको दिखाएंगे लाइव। चलो, तो इसका टैंक उतार दिया है, अभी देखते हैं ये दोनों कवर खोल के क्या ऊपर से कोई प्रॉब्लम है। तो जिसके लिए हमें यहाँ पर चार बोल्ट होते हैं, ये चारों बोल्टों को खोलने हैं। और यार, अच्छा लगता क्या है, क्या हुआ होगा इसके अंदर? पता है क्या, हाँ, रॉयल इनफील्ड एक ऐसी चीज़ है ना कि इसके ऊपर कितने भी वीडियो बना दो वो कमी है। और हम एक छोटे से छोटी चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं। मानते हैं आप इस चीज़ को? और मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है, और क्या लगता है इसमें क्या प्रॉब्लम हुई होगी, पिस्टन खराब या पता नहीं क्या कह सकते हैं आप बताइए, एक बार सोचिए। क्योंकि देखिए, इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा दिमाग यहीं पे लगाना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है। अब ऐसे में हम गाड़ी में ज़्यादा जोर भी नहीं लगा सकते कि या किक पे या कस के मार के, क्योंकि अंदर कोई चीज़ खुल गई हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से तो कुछ ऐसा नज़र आ ही नहीं रहे कि अगर कोई बोल्ट या पेच खुल कर अटक गया हो, है ना। देखते हैं, कवर खुल चुके हैं और देखते हैं अब प्रॉब्लम कहाँ पर है। पेचकस लो और देखते हैं फाइनली यहाँ से कुछ है या नहीं है। वैसे मेरे को लगता तो नहीं है यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी। पीछे को करके निकालो, थोड़ा सा पीछे करके, क्योंकि वो वायर के ऊपर टच होता है ना। और यहाँ पे हमें ये वाला पेच खोलना पड़ेगा, कवर के वरना टकराएगा।
अब देखो निकालो इसको। अब देखो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ से कोई चीज़ खुल गई हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंजन को आगे की साइड राउंड लो, ये पीछे मतलब आगे की साइड, हाँ बस यहाँ आके हाँ घुमाओ घुमा घुमाओ हाँ घुमाओ 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 ठीक अभी घूम रहा है। एक काम करो किक लगाओ, और पैर से हल्के हल्के आराम से किक मारिए मारिए, बस नहीं पड़ेगी किक नहीं पड़ी पर हाँ ये घूम रहा है। अब ये ऐसे में क्या कहें कि क्या हो सकता है, अभी क्या है ना नई गाड़ी है घूम रहा है, पर कुछ तो प्रॉब्लम है। ये इतना ज़्यादा पेट्रोल भी फेंक रही है यहाँ से, ये देखा पेट्रोल, इसके ऊपर आके गिरा एक बार किक मारना, पैर से मारो ये देखो मारो, ये देखो फिर मारो, इसके अंदर कुछ तो है ना, इतना ज़्यादा देखो पेट्रोल आ रहा है हाथ में, क्या लगता है क्या करें, ऐसे में स्टार्ट करने की ट्राई करें या नहीं करें। नहीं सर कार्बोरेटर से क्या चीज़ चेक करें, हाँ नहीं दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम हाँ लाइफ कैसे सोचते हैं, दिमाग कैसे काम करता है। ऐसा हो सकता है कि गाड़ी ने बैग मारा हो और जो इनलेट वाल का कचरा हो वो वहीं फंस गया हो, तो क्या हेड खोल के चेक करें, मुझे तो नहीं लगता। ऐसे स्टार्ट करने की कोशिश करें एक बार करते हैं ना, ये एक बार इसको खोल के अच्छे से यहाँ पे चेक कर लें कोई चीज़, या यहाँ पे कोई गरारी में अटक नहीं गियर में है ना, एक बार मैग्नेट निकाल दें, हाँ पूरा अच्छे से खोल के सफाई कर लेते हैं है ना, तो एक बार इसको खोलते हैं और देखते हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो अभी एक बार खोल के देखते हैं दोनों गरारियों को कि इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बिल्कुल लाइव डेमो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोगों को दिखे और पता चले कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक बार देखो इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, और ना ही यहाँ पर कुछ है। एक बार दोनों गरारियाँ दोनों गियर बाहर निकाल दो, अब दोनों गियर को बाहर निकालने से पहले पिस्टन टॉप करो, पेचकस का उपयोग मत करो, अगर पिस्टन टॉप हो जाएगा तो दोनों गरारियाँ ऑटोमेटिक बाहर भी आर से आ जाती हैं। कैसे पता चला तुम्हें हो गया, और मारो बस, अब दोनों गियरों को बाहर निकाल दो। अब देखो इसके गियर के अंदर कोई दांत है या खराब तो नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा, नहीं इससे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिलहाल ये तो दोनों ठीक हैं, अब देखते हैं। तो एक बार कहीं कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आई है, हमने पूरा RH कवर LH कवर रॉगर वगैरह सब खोल दिए हैं, और दोबारा देखा है कि फ्री हो चुकी है। अभी हम देखते हैं स्टार्ट करके क्या इंजन में कोई ब्लास्ट धमाका होता है या नॉर्मल स्टार्ट होती है, तो फाइनली आप लोगों के सामने एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो
अभी तो फिलहाल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और आप देखिए इस वीडियो को पूरा मेन मकसद यही था कि एक्चुअल में आपको भी पता चले और हमें भी कुछ नया सीखने के लिए मिले। तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं एक दो दिन चला के फिर ये प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है और क्या होता है और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।